नैनीताल हाई कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार को जोशीमठ भू धसाव पर 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ा है। वैज्ञानिकों के 718 पन्नों की रिपोर्ट में मौर्य क्षेत्र में बसे जोशीमठ में चट्टानों के खसकने की बात सामने आई है, जिसके कारण वहां पर भू धसाव लगातार हो रहा है। जोशीमठ हिमालय इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा हुआ है, उन जगहों पर कभी ग्लेशियर हुआ करता था, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए। और इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि धामी सरकार की तरफ से जोशीमठ में पुनर्वास का कार्य तेजी से शुरू किया गया था। बीजेपी प्रवक्ता ने उत्तराखंड वासियों के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हो रहा है, हम निश्चित रूप से ये उत्तराखंड राज्य के लोगों को विश्वास दिला सकती है। राज्य की सरकार अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये विश्वास दिला रही है कि जहाँ पर भी इस तरीके के दिक्कतें और परेशानियां हैं, उनका तुरंत निराकरण किया जाएगा, विस्थापन का काम किया जाएगा, और जो भी अविलंब जो कार्रवाई होगी उनके विस्थापन के लिए सरकार करने के लिए कृत संकल्प है। देखिए, जो जोशीमठ में जो आपदा आई थी और वहाँ पर जिस तरीके की आपदा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा प्रबंधन किया गया है, वो काबिले तारीफ है। सरकार ने तुरंत वहाँ पर पुनर्वास का काम शुरू किया, वहाँ के लोगों के आर्थिक प्रबंधन का काम शुरू किया।